الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. تمام قسم کی تعریفات اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. بزرگوں, دوستو, اسلامی بھائیوں, اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک مضبوط رشتے میں پرو دیا ہے. وہ ہے ایمان کا رشتہ, کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے, ایمان لانے والے لوگ ہوں گے, وہ آپس میں ایک بھائی کے مانند ہیں. جس طریقے سے انسان کو اپنے بھائی سے ایک لگاؤ, ایک محبت ہوتی ہے, اس کے دکھ اور درد میں وہ کام آتا ہے, اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے وہی جذبہ, وہی درد اور وہی لگاؤ رکھتا ہے. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومنین آپس میں محبت کرنے کے اعتبار سے, ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اعتبار سے ایک جسم کے مانند, کہ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف محسوس کرے, اس میں درد ہو, تو پورا کا پورا جسم درد سے, بخار سے, تپش سے,
परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसान के आँख में दर्द है तो बकिया जिस्म का हिस्सा उसको महसूस ना करें, सर में दर्द है तो सर को छोड़ कर के बकिया हिस्सा सुकून महसूस करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को एक जिस्म के मानिंद करार दिया है कि जैसे जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ महसूस करता है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है, वैसे ही मोमिनीन का आपस में रिश्ता है कि दुनिया के किसी भी कोने में एक मोमिन को अगर तकलीफ होती है तो दुनिया के दूसरे किसी कोने में अगर मोमिन मौजूद है तो उस तकलीफ को महसूस करता है और उसको हल करने की कोशिश करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक हमें ये पैगाम देती कि मोमिनों को आपस में इस तरीके से एक जिस्म के मानिंद रहना चाहिए कि एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द महसूस करे, अगर उसको तकलीफ हो रही है तो अपना महसूस करे, जिस तरीके से अपने को तकलीफ होती है उसको हल करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अपना भाई मोमिन भाई किसी भी इलाके में है, किसी भी खित्ते में है, अगर वो दर्द में है, तकलीफ में है, परेशानी में है तो उसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हदीस मुबारक की रोशनी में दो बातें मुझे कहनी, एक तो ये कि ये ईमानी जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। अभी मौजूदा सूरत हाल जो है कई इलाके में मुसलमान परेशान है, खासतौर से फलस्तीन का जो मामला उभरा है, वहाँ के मुसलमानों के साथ जो कुछ किया गया या दुनिया के किसी और खित्ते में मुसलमानों के साथ जो कुछ तकलीफ हो रही है, जो उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, हर मोमिन को उसको महसूस करना चाहिए। अगर हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनके दर्द और दुख को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे ईमान में कुछ कमी, कि एक मोमिन बंदा हमारा परेशान हाल है और हमें उसका कोई एहसास ही नहीं, हमारे ऊपर उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई असर ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ईमान हमारा कमजोर है। यहाँ नापने की जरूरत है, अपने ईमान को चेक करने की जरूरत है कि इस मौके पर हमारा ईमान कैसा रहा, अपने मोमिन भाइयों के लिए जो परेशान हाल है उनके हालात को देख करके क्या हमारे दिल में कुछ दर्द पैदा हुआ, कुछ एहसासात उभरे, कुछ परेशानी हमने भी महसूस की। अगर हाँ तो यकीनन ये ईमान की अलामत है, आप मोमिन हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब कि हमारा ईमान कमजोर है। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि हर इंसान जब किसी को देखे तकलीफ में है, परेशानी में है, तो अपने अपने एतबार से उसको हल करने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होगा कि हम ये तो कहें कि आपके दुख दर्द में हम शरीक हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मोमिन भाई को परेशान हाल देख करके हम कहें कि हम भी महसूस कर रहे हैं लेकिन उसके हल करने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। इंसान को ये चाहिए कि अपने अपने एतबार से मसाइल को हल करने की कोशिश करना चाहिए, अपने भाई की अपने अपने एतबार से, अपनी इस्तेआत के एतबार से अपने मोमिन भाई की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी फलस्तीन का मसला उभरा है, आप ये देखेंगे कि तकरीबन तमाम मुसलमान परेशान थे, उसको लेकर के सारे लोग दुख दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन हल करने के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने हल करने की कोशिश की है। यहाँ एक दूसरी चीज सामने आई है कि अपनी जिम्मेदारियां हम छोड़ करके हम इन पर लानत कर रहे थे, हम उन पर लानत कर रहे थे, हम उनको मतून करार दे रहे थे कि फला की वजह से है, फला की वजह से है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब दे है। हमारी क्या जिम्मेदारी है हम उसको अदा करें, अगर नहीं अदा किया तो अल्लाह इसके बारे में हमसे पूछेगा। उलमा की क्या जिम्मेदारी है, अगर उलमा उस जिम्मेदारी नहीं अदा करते तो अल्लाह उनसे पूछेगा। हुक्मरान की क्या जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी वो अदा नहीं करते तो अल्लाह उनसे पूछेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जिम्मेदारी के मुतालिक अल्लाह हुक्मरान से पूछे, हमारी जिम्मेदारी के मुतालिक अल्लाह उलमा से पूछे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हुक्मरान की जिम्मेदारी है वो अदा नहीं कर रहा तो अल्लाह उसके मुतालिक हमसे सवाल कर, ऐसा नहीं। हर शख्स की जिम्मेदारी अपनी है और हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब देना है। हमारी क्या जिम्मेदारी थी,
कि कम से कम हम अपनी हैसियत देखते, हम क्या कर सकते हैं अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए, कश्मीरी भाइयों के लिए, दुनिया के दूसरे खित्ते में जो मुसलमान परेशान हाल है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें जब गौर करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा हम अपनी हैसियत देखते हैं कि यहां चीखना चिल्लाना लान तान करने से कोई मामला नहीं। एक काम जरूर कर सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में बैठें और उस दर्द को जो अपने लिए हम महसूस करते हैं, उसी दर्द को अपने भाइयों के लिए महसूस करते हुए अल्लाह से फरियाद करें, अल्लाह हमारी बहन हैं, हमारे भाई हैं, परेशान हाल हैं, उनके लिए आपके दरबार में हम आए हैं, उनके हक में हमारी दुआ कबूल फरमा। इस तौर से अगर हम अपनी जिम्मेदारी को देखें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दुआएं की। हाँ, सोशल मीडिया पर वो गए हैं, व्हाट्सएप उन्होंने किया है, फेसबुक पर उन्होंने लिखा है, लेकिन अल्लाह से फरियाद नहीं किया है इल्ला माशाल्लाह। हाँ, उमूमी दुआ हुई है, इमाम साहब ने दुआ करा दिया है तो आमीन बोल दिए हैं, लेकिन दिल से जैसे अपनी तकलीफ होती है अल्लाह से बयान करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बहुत कम भाइयों ने ऐसा किया है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। हाँ, हमने हुक्मरान को, तुर्की को, ईरान को, सूर्या को, सऊदी को, मिस्र को गाली तो बहुत दी है, लानतान बहुत किया है कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर उनकी वजह से ऐसा हो रहा है वो जिम्मेदार है, अल्लाह उनसे पूछ लेगा, अल्लाह से बढ़कर कोई हिसाब लेने वाला नहीं। और अगर हम भी उसके जिम्मेदार हैं, हमने भी उसको हल करने की कोशिश नहीं की, तो अल्लाह हमसे भी पूछ लेगा, हम इसको जवाब देने वाले हैं। आखिरी बात, हदीस मुबारका में आया, एक मोमिन की मिसाल आपस में मोहब्बत करने के एतबार से, रहमत और मुरवत के एतबार से दूसरे मोमिन से उसका ताल्लुक है जिस्म के माने, कि अगर उस जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती तो तमाम पूरा जिस्म उसको महसूस करता है, वैसे ही एक मोमिन को तकलीफ हो तो तमाम मोमिन उसको महसूस करते हैं। ये हदीस मुबारका सिर्फ इस मौके के लिए नहीं है कि फलस्तीन में जुल्म हुआ तो, या फला इलाके में जुल्म हुआ तो, बल्कि मोमिन जहां कहीं भी हैं वो तकलीफ में हैं, तो हम मोमिन होने के एतबार से उनके दुख दर्द को महसूस करें, चाहे हमारे मोहल्ले में हो, हमारे बगल में हो, हमारा भाई हो, रिश्तेदार हो, शहर का हो, गांव का हो, इलाका को, हम फलस्तीन के मुसलमानों के दुख दर्द को महसूस करते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस में हमारा मोमिन भाई है, उसके दुख दर्द को हम तकलीफ महसूस नहीं करते। आज इसराइल अगर फलस्तीन के अंदर एक फलस्तीनी मुसलमान के घर को गिराता है तो हमें तकलीफ होती है, होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे बगल में हमारे मोमिन भाई का घर गिर रहा हो तो हमें खुशी होती। आखिर मोमिन ये भी है, मोमिन वो भी है, मोमिन हम भी हैं, वहां के लिए हमें गम हो जाता है, यहां के लिए खुशी क्यों होती। इसका मतलब यह है कि अभी हमने हदीस को समझा नहीं, इसका मतलब यह है कि ईमान हमारा सही नहीं है, इसलिए दूर वाले मोमिनीन की तकलीफ को तो हम महसूस कर लेते हैं लेकिन घर के अंदर मौजूद मोमिन की तकलीफ को महसूस नहीं कर पा रहे। हमारी बहन को तकलीफ हम महसूस नहीं कर पा रहे, भाई को तकलीफ हम महसूस नहीं कर पा रहे, बल्कि माफ कीजिएगा बहुत सारे अहबाब हैं, जब बगल में एक मोमिन भाई को तकलीफ होती है तो इनका मामला ये नहीं होता कि उसको हल कर दें, बल्कि इनकी कोशिश ये होती कि उसको थोड़ा और बढ़ावा दे दें और मजा आए। अगर किसी को मजा आता है तो अल्लाह के वास्ते अपने ईमान की खैर मनाइए, यहां कुछ नहीं होने वाला है, सब गुजर जाएंगे, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मामला ईमान का आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाब देना है। लिहाजा हदीस का मफहूम सिर्फ फलस्तीन कश्मीर फला फला इलाके के लिए नहीं है, दुनिया के किसी भी खित्ते में मोमिन को तकलीफ हो रही है तो दूसरे मोमिन को उस तकलीफ को महसूस करना चाहिए और हल करने की कोशिश करना चाहिए। मजा मत लीजिए न दूर के मोमिन का, न करीबी मोमिन का, न घर के मोमिन का, वरना हमारा ईमान का सौदा हो जाएगा,
الہ العالمین کہنے سنا عمل کے توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا، الہ العالمین ہم تمام کے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو تو دور فرما، ان کی تکلیف کو دور فرما، الہ العالمین ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرما، خاص طور سے الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے الہ تو جانتا ہے، وہ مظلوم ہے بیچارے، ان کی زمین جا رہی ہے، ان کی جائیداد جا رہی ہے، ان کے مقصد مسجد اقصی کا معاملہ ہے جو پوری امت کا معاملہ ہے، الہ العالمین فلسطینی بھائیوں کی تو مدد فرما، ان کے زمین و جائیداد کی تو حفاظت فرما، الہ العالمین مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تو ہی محافظ ہے، تو ہی اس کی ان کی مدد کرنے والا ہے، باقی اور لوگ صرف ذریعہ بن سکتے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مدد فرما، الہ العالمین ایمان کی یہ قوت اور یہ طاقت الہ العالمین ہر پیمانہ پر ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم تمام مومنین کے دکھ درد کو محسوس کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رکھ، الہ العالمین ہم پر کوئی ظلم کرے ہماری اس سے تو حفاظت فرما، الہ العالمین جو مقروض ہیں قرض گدائیگی فرما، جو مریض ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان پڑھ دے، الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، الہ العالمین جو گزر چکے ہیں موحدین ہیں الہ العالمین ان کی بخشش فرما، الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا، آمین تقبل یا رب العالمین۔